सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ परेड के लिए और देख सकते हो कि कितना ज़्यादा धुंध है, पीछे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। और मैं अभी हॉर्स राइडिंग ग्राउंड जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और पूरा धुंध छाया हुआ है, सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस, ये वीडियो मेरा 26 जनवरी का है, तो अभी मैं परेड के लिए जा रही हूँ, उसके बाद से हम स्टेबल भी चलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा जो हॉस्टल है वो पूरा छुप चुका है, सामने ग्राउंड है वो भी नहीं दिख रहा, आँखों में पूरा नींद छाया हुआ है क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे ही उठ गई और अभी नींद लग रहा है पूरा। लेकिन मैं तैयार होके आ गई हूँ और आप देख सकते हो कि आसपास कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी, पूरा धुंध की वजह से ढक भी चुका है पूरा। तो अभी मैं ग्राउंड पहुंच चुकी हूँ, आप देख सकते हो पीछे लड़कियाँ भी हैं। तो गाइस, अभी हम वीर वाला मैदान आ चुके हैं और देखो कुछ बच्चे अपनी टचअप कर रहे हैं और घोड़े आने वाले हैं गाइस। फिर हम माउंट होके जाएंगे परेड पे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। सो गाइस, अपने घोड़े को सजाने के लिए हम ये देखो फ्लावर लाए हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर है ना, वो उस पर लगाएंगे। हम तो खुद तैयार होके नहीं आते पर घोड़े को तैयार जरूर करेंगे। तो मैंने अपना फ्लावर ले लिया है, बस वेट कर रही हूँ कि मेरी रुक्मणी आ जाओ और मैं उसको तैयार करूँ। बट हमारे घोड़े से पहले हमारे ट्रेनर जो सर हैं वो आ गए हैं अपने घोड़े पे सवार होके, और आप देख सकते हो पीछे बाकी घोड़े भी धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी पूरे नहीं आए हैं। सारे घोड़े रेडी होके आ रहे हैं, तैयार होके आते हैं सुंदर सुंदर से। और कुछ देर के बाद मेरी रुक्मणी भी आ गई, तो ये देख सकते हो कि मैं इसको तैयार कर चुकी हूँ। मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि घोड़े पे बैठने के बाद मैं वीडियो बना नहीं सकती, इसलिए मैं सीधा आपको लक्ष्मी मैदान लेकर आ गई हूँ। आप देख सकते हो कि हम सब खड़े हुए हैं फाइल में, परेड क्योंकि स्टार्ट होगा अब कुछ देर में ही। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा ग्राउंड है और आप देख सकते हो कि हमारा परेड स्टार्ट हो चुका है। तो परेड के बाद हम रुक के सिद्धार्थ भैया का स्पीच सुन रहे हैं। तो स्पीच सुनने के बाद परेड खत्म हो चुका है और हम जा रहे हैं वापस से ग्राउंड की तरफ घोड़े पे बैठ के ही। और ये मेरी रुक्मणी है, इसको चोट लगी हुई है तो ये थोड़ी सी घायल है। और आप देख सकते हो हम ग्राउंड आ चुके हैं और भैया जी बोल रहे हैं कि मेरी भी वीडियो निकाल दो, तो मैंने भी इनके पिक्चर्स निकाल। और ये मेरी रुक्मणी है, अब ये वापस जा रहे हैं सारे घोड़े क्योंकि हमारा डिसाइड हुआ नहीं था अभी कि हम स्टेबल जाएंगे या फिर नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर फोटो क्लिक करा ली अपनी और ये आप देख सकते हो कि सारे घोड़े वापस जा ही रहे हैं। तो अभी हम रुके हुए हैं आस में कि हम स्टेबल जाएंगे, बट अभी पता नहीं है। तेज बोलना बदतमीज, उसे तुम्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ऐसे कौन बोलता है, मैं भूल गई ना। हाय गाइस, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना और कमेंट भी करना। सो गाइस, हम स्टेबल जा रहे हैं, अब तो देखो हम स्टेबल जा रहे हैं, है ना। स्टेबल जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? हम समोसा खाने। समोसा खाने, अभी गुलाब जामुन भी है, गुलाब जामुन भी मिलता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या करना होता है, शेयर करना, कमेंट भी करना गाइस। सुन लिया ना तो कर दो। तो स्टेबल जा रहे हैं हम, स्टेबल बहुत कुन्ने में है, कुन्ने में एकदम बनसली के कुन्ने। हम अभी जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा भी देखेंगे घोड़े का, घोड़े। तो आप देख सकते हो हम पैदल पैदल जा रहे हैं, जो स्टेबल है वो बहुत कोने में है बनस्थली के, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। आप देख सकते हो सामने थोड़ी थोड़ी स्टेबल दिख रही है, हमें मैम लेके जा रही है, ये हमारी मैम है। ऐसे शर्मा रही है यार। देखो तो हम ऊंची खाली पहाड़ियों पर चलते हुए जा रहे हैं स्टेबल। जल्दी आओ, हमारी मैम बुला रही हैं बच्चों को, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, बच्चे बहुत पीछे हैं, दिख रहा है आपको? देखो स्टेबल आ ही गया। यहाँ पे नॉर्मली कोई नहीं आता, कोई आता ही नहीं है, बस हम आते हैं। मुझे पता था कि इधर भी। सो गाइस, ये है स्टेबल। तो हम अभी स्टेबल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो कि घोड़े जो हैं वो फ्री हो चुके हैं, उनके सारे सैडल उतार दिए गए हैं और वो फ्री होके चारा खा रहे हैं अपना। और यहाँ पे दो छोटे छोटे पपी भी हैं।
तो चलो आपको मैं ले चलती हूँ बेबी हॉर्स दिखाने। देखो ये छोटा सा सुंदरी है, इसका नाम सुंदरी है, और ये अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट ये थोड़ा क्यूट था और छोटा था तब। इसको आप देख सकते हो कि अपनी मम्मी के साथ है। ये बाकी के घोड़े हैं जो अपना अपना खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे एक गधा भी है जो कि आप देख सकते हो। तो गाइस प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस स्टेबल में यहाँ पे गधा भी है और घोड़े भी, एक ही गधा है और बाकी घोड़े। अमर पानी चलो ना, नहीं सो गाइस अभी हम गुड़ लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए। देखो देखो देखो, देखो, तो मेरी रुक्मणी ये रही। रुक्मणी गुड, एक और ले। तो मैंने अपनी रुक्मणी को भी गुड़ खिला दिया। अच्छा बादशाह, सभी को देना नहीं, घोड़ों का बादशाह। अभी हम चलते हैं अंदर, इधर घोड़े नहीं है, कुछ घोड़े हमें इधर मिले, ये रहे। और आपको मैंने पहले भी सारे घोड़ों को अपने अपने कैबिन में दिखाया है, सारे घोड़े अपने अपने कैबिन में थे, और सैंडबाग भी दिखाया, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो ये घोड़ी देखो सो गई है। तो हम अपना रिफ्रेशमेंट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। आप देख सकते हो कि हमें मैम लेके जा रही हैं, और पीछे आप देख सकते हो हमारा स्टेबल जो है वो छूट चुका है। तो मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, बाय बाय बाय।